बहनों, हमें आज मिलकर सीखना है ए और ळ। अक्षर प तो हम जानते ही हैं ना। इस प के खड़े डंडे को अगर गोलाई से दूर सरका दें तो बन जाता है अक्षर ण। प इसके डंडे को गोलाई से दूर हटा दिया, बन गया ण। आ जाती हूँ ये सोचते हुए कि तुम लोग मेरा इंतजार कर रही होगी। बस सच सच बताओ, इंतजार तो करते हो ना, और रोज सोचती होगी कि आज कौन सा अक्षर सीखेंगे। तो बहनों, आज हम सीखेंगे अक्षर ण। ये अक्षर भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस पहले एक उल्टा आधा गोला यू, लेकिन थोड़ा लंबा सा ऐसे, और फिर वही खड़ा डंडा, ऊपर छत वाली लकीर, ये बन गया अक्षर ण। देखा ना कितना आसान था। उल्टा आधा गोला, खड़ा डंडा, छत वाली लकीर ना। मैंने कहा था कि जितने दिन हम मिलते जाएंगे तुम्हारे लिए सब कुछ आसान होता जाएगा। अच्छा अब मैं चलूं, जल्दी ही आऊंगी, और तुम लोग तब तक जो कुछ मैंने सिखाया है ना, रोज थोड़ी थोड़ी देर लिखते रहना, ठीक है ना। अच्छा अब मैं जाती हूँ, नमस्ते। ये है वीणा। व बड़ी की मात्रा ण और आ का डंडा वीणा। इसे देख के तीर याद आए ना, तीर को बाण भी तो कहते हैं, बाण। ये है बाण। ब आ का डंडा ण बाण। अरे ओ छोटू, तुझसे कितनी बार कहा है कि सुबह जंगल से आकर हाथ हमेशा साबुन से ही धोया कर। ये साबुन क्या मैंने तेरा मुंह देखने के लिए रखा है, हैं? चल जा जल्दी कर। अच्छा जा रहा हूँ। याद रख, जंगल से आकर हमेशा साबुन से ही हाथ धोने हैं, आधी बीमारियां इसी के कारण फैलती हैं। ठीक है अभी ला रहा हूँ। चल जल्दी कर भाई। ये है हाथ, एक उंगली से नीचे को इशारा करते हुए, बस बिल्कुल ऐसा ही होता है अक्षर ए। ये है अक्षर ए, एक उंगली से नीचे को इशारा करते हुए हाथ, बिल्कुल अक्षर ए जैसा। ए बहनों, मैं आई हूँ कुछ बतलाने, तुम सबसे मिलकर सीखने और सिखाने। तो बहनों, आज जो अक्षर हम सीखेंगे वो अक्षर है ए, छोटी ए। जी हाँ, इसका लिखना तो बहुत ही आसान है, लिखे। पहले एक सीधी लकीर, फिर उसी से मिलाकर ये तिरछी लकीर, और अब एक और लकीर यहाँ से यूं तिरछी करके यहाँ से मिलाया, ऊपर वही छत वाली लकीर, ये हो गई ए। ये बन गई छोटी ए। एक बार फिर देखें, सीधी लकीर, तिरछी लकीर, फिर एक और
तिरछी लकीर मिली हुई ऊपर छत वाली लकीर। ये है एक, ए क एक, ए क एक। एक से ही तो गिनती शुरू होती है, एक। प ढ़, ढ़ पे छोटी ई की मात्रा, ए पढ़िए। पढ़िए। ल, ल पे छोटी ई की मात्रा, ख, ख पे छोटी ई की मात्रा, ए लिखिए। अम्मा ये गांव तो एकदम बदल गया। अरे बेटा ये सब गीता का कमाल है। मास्टर ने जी? हाँ, बहुत ही अच्छी लड़की है सच्ची, मैंने तो उसे बेटी बना लिया अपने। अरे अम्मा तू इतनी समझदार कब से हो गई? अच्छा माँ की खिल्ली उड़ा मारोगे तुझे। अच्छा अम्मा एक बात बता, हा? वो तो चिट्ठियाँ किससे लिखवाने लगी थी? वो क्यों, कोई गलती रह जा हुई थी? अरे नहीं अम्मा, वो तो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखी गई थी, लगता है अपनी मुंह बोली बेटी गीता से लिखवाई होंगी। अरे ना, वो तो सुधा से लिखवाती थी मैं। सुधा? अरे वो छोटी सी। छोटी? अरे छोटी कहाँ रह गई है, वो तो ऐसी बड़ी हो गई है। अच्छा मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात है। अरे ना बा आ का डंडा बड़ा बा व बड़े की मात्रा बड़ा आ का डंडा वीणा र आ का डंडा ना आ का डंडा राणा ग बड़े की मात्रा ट आ का डंडा ना छड़ू की मात्रा कीटाणु। बड़ी भाग मरती है मौसी, पला पलाया पूरी पला पलाया, कहाँ इतना सा था जब मौसी को दिया था, है तो पराया ही ना। पराया कहाँ, अब तो अपना ही है। ए का एक, ए का त आ का डंडा एकता, ला छोटी ई की मात्रा, खा छोटी ई की मात्रा, ये लिखिए। प ढा छोटी ई की मात्रा, ये पढ़िए। नया का नया कुर्ता फाड़ दिया। एक बात पूछो अम्मा। हाँ पूछ। मेरी माँ कौन थी बताना, बताना अम्मा, बोलती क्यों नहीं? तेरी माँ कौन है इसका जवाब तेरे पास है, मेरे पास ना है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था अम्मा, तू तो बुरा मान गई, मैं गांव में दो औरतों की बात सुनकर आया हूँ। रामबती और गंगा देवी होंगी, उन्हीं के पास पकाते हैं देवी दिल की बात करने का। तू उदास क्यों होती है, मैं हजार बार कहता हूँ कि तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरी माँ है और दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। इसके डंडे को गोलाई से दूर हटा दिया, बन गया अणा। एक उंगली से नीचे को इशारा करते हुए हाथ, बिल्कुल अक्षर ए जैसा।
भाई पुत्र बंबई नहीं गया थी, अगर जानता तो तेनू लेके जानता। मैं चंडीगढ़ गया थी। चंडीगढ़ छोटू बादशाह कुमाल का शहर है चंडीगढ़। पूरा शहर 47 सेक्टरों में बसाएगा, चौड़ी चौड़ी सड़क, सेक्टर में ही वड्डे वड्डे सरकारी दफ्तर है, और रॉक गार्डन और सुखना झील वेखी, उत्थे ही हैगा गुलाब गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा गुलाब के फूलों का बाग। ये है चंडीगढ़ का रोज गार्डन। ये एशिया में गुलाब के फूलों का सबसे बड़ा बाग है। चंडीगढ़ आधुनिक भवन निर्माण कला का एक अच्छा उदाहरण है। इस शहर में 47 सेक्टर हैं और हर सेक्टर का अपना बाजार है। चंडीगढ़ का म्यूजियम। यहां का मुख्य आकर्षण है नेकचंद का बनाया हुआ रॉक गार्डन, जो टूटे फूटे बर्तनों और दूसरी बेकार चीजों से बना है। ओए छोटू, ओ छोड़ दे पंडित दी नौकरी, साडे नाल ट्रक से चल, सारी दुनिया दिखा दूंगा तेनू। चाचा मगर मैं पढ़ता हूँ। ए गल तो पक्की है पुत्तर। अच्छा तो पहले पढ़ ले। बहनों हम आज सीखेंगे दो अक्षर, बड़ा ऊ और ढ। आय आय मौसी, मैं तो लूट गई। अरे क्या हुआ रे? क्या कहूँ, मेरा तो सत्यानाश हो गया। अरे रोए जाएगी या कुछ बतावेगी भी? अरे अरे मेरे कड़े चांदी के थे। एक आदमी आया, बोला धागे कहिए का सोने के बना दूंगा, फिर पीतल के पकड़ा कर भाग गया। अरे कितनी देर पहले की बात है? जी कोई आधा घंटा बीत गया, जगतपुर की तरफ गया। तू फिकर मत कर, मेरा प्रेम जाएगा अभी साइकिल पे, पकड़ के ले आएगा उस ठग को। तेरा प्रेम जीवे मासी, कुछ तो कर। हाँ हाँ कर दूंगी, वैसे तू है तो जहर की पुड़िया, करने का जी तो ना करता, पर गांव की है सो करना पड़ेगा। जा फिकर मत कर, मिल जाएंगे तेरे कड़े, जा। ये है छोटा ऊ जो हम पहले ही सीख चुके हैं। इसके नीचे वाली गोलाई को अगर ऐसे घुमाकर बराबर में रख दें तो बन जाता है बड़ा ऊ। ये है बड़ा ऊ। छोटा ऊ इसकी नीचे वाली गोलाई को हमने घुमाकर इसके साथ रख दिया तो बन गया बड़ा ऊ। नमस्ते बहनों, आज जो अक्षर हम सीखेंगे उसका नाम है बड़ा ऊ, और ये लिखना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। लिखे चलो। पहले बनाया आधा गोला, फिर एक और आधा गोला ऐसे, और अब
ये टेढ़ी लकीर यूं, ऊपर छत वाली लकीर, बन गया बड़ा ऊ। समझ आ गया ना, ये बन गया अक्षर बड़ा ऊ। दो छोटे गोले ऐसे, फिर टेढ़ी लकीर, ऊपर छत वाली लकीर, बड़ा ऊ। गाँव के लोगों को ठगता है, पिछले कई सालों से लोगों को ठग रहा है, कहता है चांदी के कड़े सोने के कर दूंगा। नहीं बाबूजी, अब नहीं करूंगा, माफ चाहता हूँ बाबूजी। शक्ल तो ठग लग रही है। ना बाबूजी, मुझे माफ करो बाबूजी, अब नहीं करूंगा बाबूजी, नहीं करूंगा बाबूजी। पहचाना? हाँ, ये है कढ़ाई, और कढ़ाई से तो हमने बनाया था अक्षर ड़। ये है अक्षर ड़। इसके नीचे वाली बिंदी को हटा ले तो बन जाएगा अक्षर ढ। मेरी सभी बहनों को हाथ जोड़ के नमस्ते। बहनों, मैं आ गई, और आज आज मालूम है मैं कौन सा अक्षर लेकर आई हूँ? अक्षर र। लिखे अक्षर, पहले छोटा सा डंडा, फिर आधा गोला, इसी से मिलता हुआ अंदर की ओर एक और छोटा सा गोला, ऊपर वही छत वाली लकीर, ये हो गया ड। एक बार फिर दोहराए। अच्छा, छोटा डंडा, आधा गोला, अंदर एक और गोला, ऊपर छत वाली लकीर ड। अरे मौसी, आओ बैठो। ले पकड़ अपना कड़ा, यही है ना? हाँ मौसी, यही है। मौसी, वो ठग पकड़ा गया? हाँ, मेरा प्रेम अकेली पकड़ के ले गया उसे, अब तो हवालात में बंद है। सच? और सुन। हाँ बोलो मौसी। तू इन ठगों के चक्कर में मत पड़े कर, ये लालच देवे हैं कि पैसे को दूना कर देंगे। अरे बावली, जो ये पैसे को दूना कर देते या चांदी को सोने में बदलते तो यूं गली गली भटकते क्यों फिरते? अरे मौसी, ये बात तो मेरी अकल में आई ना। अरे भेजे में अकल होती तभी तो आती। अच्छा चल। अच्छा मौसी। ये है ढोल, ढमढमा ढमढम की आवाज निकालने वाला ढोल। ढ ओ की मात्रा, ल ढोल। आ का डंडा, ब आ का डंडा, ढाबा। पंडित जी का ढाबा तो याद ही है ना, ढाबा। ढ क न आ का डंडा, ढकना। भाई खाने पीने की चीजों को ढकना जरूरी है, ढकना। ये है ऊंट, बहुत काम का जानवर। ऊ, ऊ पे चंद्र बिंदु, और ट ऊंट। ऊंट रेत में आसानी से चल लेता है और कई दिन बिना पानी पिए रह लेता है। ये है रेगिस्तान का जहाज ऊंट।
जाड़े से बचाने के लिए क्या चाहिए? ऊन, ऊन। तुम भी ऊन से स्वेटर बुनती हो ना? ये है ऊन। ऊंचा, ऊ पे चंद्र बिंदु, च आका डंडा, ऊंचा। दिल्ली का कुतुब मीनार कितना ऊंचा है? ऊंचा, ऊंचा। अम्मा हाँ। झाड़ू छोड़ 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 से। तू एक बात बता, तू स्कूल क्यों नहीं जाती? अब छोड़ ना। देख मैंने तुझे चिट्ठी में लिखा था ना, तू लिखना पढ़ना शुरू कर दे। अरे बेटा अब इस बुढ़ापे में क्या पढ़ूंगी, आधा सिर चिट्टा हो गया मेरा। देख अम्मा आदमी किसी भी उम्र में पढ़ सकता है, क्या कभी तेरा दिल नहीं चाहता कि मेरी लिखी हुई चिट्ठी तो खुद पढ़े किसी की मन्नत समाजत कराए बगैर? मन तो भतेरा चावे है। वो दिन कितना अच्छा होगा जब तू खुद अपने हाथ से चिट्ठी लिखेगी, उस चिट्ठी में तेरी सारी ममता होगी। चाहूं तो हूं बेटा पर लोग जो खिल्ली उड़ावेंगे उससे डरूं मैं। और अम्मा जो गांव की दूसरी औरतें स्कूल पढ़ने जावे वो जावे हैं पर मुझे शर्म लगे। देख अम्मा शर्म तो बुरे काम में होती है और पढ़ना लिखना तो संसार का सबसे अच्छा काम है, उसमें भला शर्म कैसी? अब मैं तुझे कैसे बताऊं? अच्छा तू मुझे कुछ मत बता बस, मैं तुझसे रूठ जाता हूं। अरे बेटा, अरे मेरे बच्चे तू रूठ गया तो किसके सहारे जीऊंगी मैं? अच्छा फिर तू मेरी खातिर पढ़ ले। अच्छा एक बात बताऊं तुझे? हाँ? मेरी हंसी तो ना उड़ावे। मैं और तेरी हंसी उड़ाऊंगा? तो सुन मैं पढ़ना लिखना सीख रही हूँ। कैसे? गौरी आवे मुझे पढ़ाने के लिए? नहीं अम्मा मुझे यकीन नहीं आता। अच्छा रुक मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ। अरे अम्मा जे तो कमाल हो गया। छोटा ऊ इसकी नीचे वाली गोलाई को हमने घुमाकर इसके साथ रख दिया तो बन गया बड़ा ऊ। चंद्र बिंदु द ऊंट, बड़ा ऊ चंद्र बिंदु च आ का डंडा ऊंचा। हाँ ये है कढ़ाई और कढ़ाई से तो हमने बनाया था अक्षर ड़। ये है अक्षर ड़। इसके नीचे वाली बिंदी को हटा ले तो बन जाएगा अक्षर ढ। मात्रा ढोंगी।
शिक्षा दी।